नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत केस में दोस्तों सीबीआई की टीम को पता चल गया कि सुशांत सिंह राजपूत के कौन से दुश्मन थे और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत को किस वजह से खत्म किया गया है। इसके अलावा सीबीआई किसी भी वक्त सुशांत सिंह राजपूत के कातिलों के घर पर छापा मार सकती है, इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जी, आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार सबूतों की छानबीन की जा रही थी, लेकिन दोस्तों सबूत ना मिल पाने की वजह से सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो सुलझ नहीं पा रहा था। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी खबर जो सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि सीबीआई की टीम सुशांत सिंह राजपूत केस में अब पता लगा चुकी है कि सुशांत सिंह राजपूत के बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे बड़े कौन-कौन से दुश्मन थे। हालांकि सीबीआई ने किसी भी तरह से किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, सीबीआई की टीम सुशांत सिंह राजपूत के दुश्मनों की लगभग पहचान कर चुकी है। एक लंबी लिस्ट है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के जो दुश्मन थे या फिर जो सुशांत सिंह राजपूत से नफरत करते थे उन तमाम लोगों की लिस्ट को शामिल कर लिया गया है और सीबीआई की टीम जल्दी दोस्तों एक बड़ी कार्यवाही कर सकती है। मैं आपको बता दूं, सीबीआई की टीम को बहुत पहले से ही शक था कि जो कुछ भी सुशांत के साथ हुआ इसे सुशांत सिंह राजपूत के दुश्मनों ने ही अंजाम दिया होगा, लेकिन अब क्योंकि सीबीआई की टीम ने एक लिस्ट बना ली है तो ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत केस में अब बहुत सारे लोगों से पूछताछ हो सकती है और यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि जिन लोगों ने भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ इस कांड को अंजाम दिया आखिर क्या वजह रही, क्यों उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की जान ली या फिर क्या उनका भी हाथ है जो कि बॉलीवुड में रहते हैं और सुशांत सिंह राजपूत से दुश्मनी ठान कर बैठे थे। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो सीबीआई की टीम दोस्तों कई सारे सबूतों को खंगाल चुकी है और कई सारे सबूत सीबीआई की टीम प्राप्त कर चुकी है। अब इसके बाद सीबीआई की टीम जल्द ही सुशांत सिंह राजपूत केस में कई बड़ी गिरफ्तारियां भी कर सकती है। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।